तो क्या आप जानते हैं कि खून चूसने वाली जोंक पर नमक डालने से उसकी मौत क्यों हो जाती है? देखिए, आपको भी अगर आपको जानना है तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसा दावा किया जाता है कि शरीर के किसी हिस्से में जब स्किन खराब होती है तो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है और डेड सेल को एक्टिव करने के लिए जलौका पत्ती में जोंक की जरूरत पड़ती है। जलौका पत्ती होता है, ठीक है ना, उसमें हमको जोंक की जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम आपको बताते हैं और भी चीजें। लीच यानी जोंक, लीच थेरेपी जो होता है, जोंक तो आपने देखा ही होगा, गांव देहात में बहुत सारे जोंक होते हैं, मतलब ये आपको देखने को मिलेंगे। इसे हम लोग खून चूसने वाले कीड़े के रूप में जानते हैं। यह एक तरह से मांसाहारी कीड़ा होता है, जबकि इंसानों या अन्य जानवरों का खून भी चूसता है, ठीक है। शरीर में चिपक कर यह कीड़ा खून चूसता है और इसे मारने के लिए अक्सर लोग नमक का प्रयोग करते हैं। आखिर नमक रखने पर ये क्यों मर जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि नमक डालने पर जोंक की मौत क्यों होती है? तो चलिए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। दरअसल ये जो खून चूसने वाले जो आप जोंक देख रहे हैं, ये जो है लीच यानी जोंक का वैज्ञानिक नाम हीटो मेडिसिनेलिस है। आपको बता दें कि यह एक ऐसा कीड़ा होता है जो गीली जगहों पर पाया जाता है, जो गीली जगह होता है वहां पर यह कीड़ा पाया जाता है। ये होमोफैजिक होते हैं, यानी खून इनका आहार होता है। होमोफैजिक का मतलब बताए वैसे कीटाणु, वैसे कीड़े मकोड़े जिसका खून आहार होता है, ठीक है। अगर आप किसी हरे भरे नमी वाले इलाके में रहते हैं तो इसे आपने देखा ही होगा, जब कोई जोंक किसी इंसान के शरीर से चिपक जाती है तब उस पर नमक डालकर त्वचा से हटाया जाता है। ऐसा अब देखिए, जोंक जो होता है वह बरसात के दिनों में ज्यादातर मिलता रहता है ना। अब यहाँ पर देख लेते, ये जो जोंक है, नमक डालने पर जोंक की मौत हो जाती है। इसके पीछे नमक का रासायनिक गुण जिम्मेदार होता है। नमक का जो रासायनिक गुण होता है वो जिम्मेदार होता है। दरअसल जोंक की त्वचा बहुत नाजुक होती है और नमक की क्वालिटी है कि यह नमी यानी पानी से जो होता है पानी को सोख लेता है। ऐसे में जोंक की पतली त्वचा होने के कारण और ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रसरण दबाव की मदद से नमक जो होता है जोंक के शरीर का पूरा पानी सोख लेता है। और जब पूरा पानी सोख लेगा तो क्या होगा, तो शरीर में पानी का अभाव होता है तो जोंक के शरीर के सेल्स यानी कोशिकाएं काम करना बंद कर देती है और छटपटाते हुए जोंक की मौत हो जाती है। इसलिए जब किसी व्यक्ति के शरीर में जोंक चिपक जाता है तो उनका खून चूसने लगता है तो नमक डालने की सलाह दी जाती है। हालांकि जोंक का इस्तेमाल जो होता है चिकित्सा में भी किया जाता है, जिसे जलौका पत्ती कहा जाता है, ठीक है ना। अब ऐसा इसीलिए होता है, जैसे कि आप पिक्चर यहाँ पर देख रहे हैं, कि आयुर्वेद में इलाज के लिए बिना विष वाले जलौका का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जोंक शरीर से गंदा खून चूस लेता है और डेड सेल यानी मृत कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। ऐसा दावा किया जाता है कि शरीर के किसी हिस्से में जब स्किन खराब होती है और ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है तो डेड सेल को एक्टिव करने के लिए जलौका पत्ती में जोंक की जरूरत पड़ती है। ये दूषित ब्लड को ही चूसते हैं और शुद्ध ब्लड छोड़ देते हैं। इस दौरान घाव भी बनते हैं जिसकी मरहम पट्टी कर मरीज को घर भेज दिया जाता है। तो आज आप जान गए कि जो जोंक होता है उस पर अगर हम नमक डालते हैं तो उसकी मौत क्यों हो जाती है, उसकी मृत्यु क्यों हो जाती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दें।